हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पिटूनिया में मैक्सिमम फ्लावरिंग कैसे लेना है, इसे किस तरह से केयर करना है ताकि हमें पिटूनिया से बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग मिले। तो इसे ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए कुछ टिप्स अपनाएंगे। उस टिप्स को जानने से पहले आइए देख लेते हैं मेरे जो फ्लावरिंग अभी हुआ है उसका क्या कंडीशन है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे पिटूनिया का नेचर क्या होता है, किस तरह हमें इसे लगाना चाहिए। तो पिटूनिया सर्दियों में खिलने वाला एक ऐसा खूबसूरत प्लांट है जो सर्दियों में तो खिलता ही है और गर्मियों में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर आप इसे थोड़ा सा केयर करते हैं तो ये पूरे गर्मी आराम से चल जाएगा आपके पास और इसमें फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन अगर कुछ गलतियाँ आप करते हैं तो उसके बाद आपका प्लांट गल सकता है, ख़राब हो सकता है, जल भी सकता है या फिर वो फ्लावरिंग नहीं भी कर सकता है। मैंने कई कलर के पिटूनिया लगा रखा है, डार्क पिंक है, लाइट पिंक है, पर्पल कलर का है, वाइट है, काफ़ी सारे पिटूनिया भी लगे हुए हैं। और ये देखिए, ये वाला जो प्लांट है इसमें मैं पहले ही दिखाई थी कि दो कलर की फ्लावरिंग हो रहा है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने इससे एक ही प्लांट इसमें लगाया है इस पॉट में और इसे मैं मार्केट से लाई थी। पता नहीं कौन सा ये प्लांट दिया है और किस तरह से एक पिटूनिया में दो कलर के फ्लावरिंग हो रहा है। एक ब्रांच में अलग अलग कलर के बर्ड्स बन रहे हैं, कली आ रही है। और ये वाला जो फ्लावरिंग है वो मैं कल देखी थी, पूरी तरह से खिला हुआ था। आज शायद मुझे लगता है रात में चूहे खाए हैं या फिर गिलहरी खाई है। यहाँ पर देखिए, एक ही ब्रांच है, नीचे वाला भी ब्रांच में गाजरी कलर का ही फ्लावरिंग हुआ है और बीच वाला जो ब्रांच है उसमें पर्पल और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन वाला फ्लावरिंग हुआ है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस ब्रांच में सारे मुझे लग रहे हैं इसी कलर के फ्लावरिंग होने वाले हैं। तो कभी कभी प्लांट भी सरप्राइज़ दे देते हैं हमें और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। पिटूनिया को आप सीड से भी लगा सकते हैं और ब्रांच से भी बहुत ही इजीली ये लग जाता है। हमारे यहाँ पिटूनिया काफ़ी लेट फ्लावरिंग करता है, वो फरवरी से फ्लावरिंग करना ही स्टार्ट करता है क्योंकि जनवरी और दिसंबर वगैरह में हमारे यहाँ इसके प्लांट मिलते नहीं हैं और मिलते भी तो काफ़ी छोटे मिलते हैं तो उन्हें ग्रोथ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये वाला भी शायद ब्लू कलर का ही है। ऐसे ये नॉर्मली नवंबर दिसंबर में इसके प्लांट मिल जाते हैं और आप इस प्लांट को किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की आवश्यकता नहीं होता है। आप कोशिश करें कि ऐसे पॉट में लगाएं जिसका ऊपर का एरिया काफ़ी ज़्यादा हो। आप 8 इंच के 10 इंच के पॉट में लगा सकते हैं लेकिन जो टब वगैरह होता है उसमें ये ज़्यादा फैलता है और उसमें ज़्यादा ये अच्छे से कवर कर पाता है पूरे पॉट को। बुशी होना इसका नेचर है। तो चलिए बात करते हैं इसे किस तरह से हैवी फ्लावरिंग लिया जाए। आप पिटूनिया में फॉस्फोरस का यूज़ करें। जब ये छोटा रहता है, जब छोटा प्लांट आप लाते हैं तो फॉस्फोरस के लिए आप उसमें DAP का यूज़ कर सकते हैं। 4 से 6 दाने DAP का यूज़ कर सकते हैं ताकि प्लांट जल्दी ग्रोथ करे। जब ये आपका प्लांट ग्रोथ कर लेता है तब भी आप इसे फॉस्फोरस की मात्रा देते रहें। आप बनाना पिल्स फर्टिलाइज़र का लिक्विड बना करके डाल सकते हैं। दूसरा है, आप इसमें बोन मील का यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऑर्गेनिक डालना पसंद करते हैं। मैं ऑर्गेनिक ही डालती हूँ और ऑर्गेनिक थोड़ा सा स्लो रिलीज होता है लेकिन अच्छा रिजल्ट देता है। अगला है, आप इसमें पिंचिंग हमेशा करते रहें। जब आपका प्लांट फ्लावरिंग कर लेता है और फ्लावर्स सूखने लगते हैं तो उसे आप पिंच करके हटा दें ताकि नई नई कलियाँ खिलें और काफ़ी सारे वर्ड्स बनाएँ। नेक्स्ट है, इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही बिल्कुल सूखा हुआ सॉइल पसंद है। आप इसमें पानी तभी डालें जब इसका ऊपर का एरिया मिट्टी का सूख गया हो। ओवर वाटरिंग जब भी करेंगे तो इसका रूट काफ़ी छोटा होता है और काफ़ी जल्दी गल जाता है। पानी की मात्रा अधिक कभी ना दें और ना ही बिल्कुल कम दें। जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी दें। अगला है, फुल सनलाइट में रखें पिटूनिया को। फुल सनलाइट में अगर आप रखते हैं तो इसका फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा होता है।
मैं 10 दिन पहले इसमें बोन मील का यूज़ करी हूँ और अभी से ही रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। सारे प्लांट देख रहे हैं कितना अच्छा ग्रोथ किया है, और मैं कुछ दिन बाद इसका एक और वीडियो शेयर करूँगी जिसमें दिखाऊँगी कितना अच्छा ये फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि अभी ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट ही किया है, एक दो ही फ्लावर्स इसमें आ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम फ्लावर को क्यों पिंच करते हैं? अगर फ्लावर को पिंच ना करें, जो सूखा हुआ रहता है, तो सीड स्पॉट बनने लगते हैं, और सीड स्पॉट बनने लगता है तो प्लांट अपना सारा एनर्जी सीड स्पॉट बनाने में लगा देता है और फ्लावरिंग कम करता है। तो सीड स्पॉट आप अप्रैल के बाद बनने दें, क्योंकि उस टाइम फ्लावरिंग करना थोड़ा कम कर देता है प्लांट, और उस टाइम इसका जाने का टाइम भी आ जाता है। तो अभी बिल्कुल भी सीड स्पॉट बनने ना दें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक, नए जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने बगिया का ढेर सारा ख्याल रखें। जय माता दी फ्रेंड्स।